क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे बिहार, राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटी। बिहार में फेक वीडियो केस में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप ईओयू मनीष कश्यप से दोबारा करेगी पूछताछ। बाढ़ में जदयू सांसद ललन सिंह ने बांटे हेलमेट, सांसद ने यातायात के नियमों के बारे में दी जानकारी। सहरसा में 3 दिवसीय कबड्डी लीग का होगा आयोजन, कई जिलों के खिलाड़ी लेंगे भाग। सहरसा में पुलिस ने की छापेमारी में शराब तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों का। वहीं बिहार में भले ही चुनाव अभी दूर है लेकिन राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू या फिर आरजेडी या फिर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी असदुद्दीन ही क्यों ना हो, सभी की नजर मुसलमानों के वोट बैंक पर है। आपको बता दें कि कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जरूरी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं लेकिन उनकी संख्या सरकार बनाने के लिहाज से बेहद कम है। मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने रमजान की इसी महीने शुरुआत होने वाली है और इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ भरे पानी में चलते हुए भी नजर आए। तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी भरे पानी में चलते हुए नजर आए, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही दूर है लेकिन जो सभी नेता है, जो सभी पार्टियां हैं, वो वोटरों को लुभाने की कवायद अब शुरू कर चुकी हैं। तमिलनाडु विवाद में फेक वीडियो केस में यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने के लिए ईओयू आज कोर्ट में अर्जी देगी। ईओयू मनीष कश्यप से दोबारा पूछताछ करेगी। इससे पहले भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था उन्हें। वही ईओयू की अब तक की जांच में कई नई बातें भी सामने आई हैं। खान सर आईएएस एकेडमी सहित एक दर्जन कोचिंग संस्थान इस जांच के दायरे में है। इन पर मनीष को आर्थिक मदद पहुंचवाने का आरोप है। वही मनीष के सच तक फाउंडेशन के खाते में आईएएस एकेडमी के खाते से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी जांच के दायरे में है। इस संबंध में एकेडमी के डायरेक्टर से पूछताछ हो चुकी है। ईओयू दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी, साथ पुलिस खान सर से भी अब पूछताछ करेगी। खबर बाहर से है जहां अंतर्राष्ट्रीय हेड इंजरी दिवस के अवसर पर जोसेफ स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हेलमेट का वितरण किया। वह दूसरी तरफ हजारों लोग हेलमेट के आस में घंटों कार्यक्रम स्थल पर खड़े रहे और वहां से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। बाद में पुलिस बुलानी पड़ी। इस मौके पर सांसद ने लोगों को हेलमेट पहनकर सचेत रहने के लिए भी कहा है। नालंदा में राजकीय पॉलिटेक्निक के पास खेल मैदान में फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें 6 विकेट से
अस्थावा की टीम विजय हुई है। इस मौके पर किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिनियन कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विजय टीम को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया है। तो नालंदा में क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान विजय टीम से भी मैन ऑफ द मैच की घोषणा की गई और उसे एक अवार्ड से नवाजा गया। आज यहाँ कार्यक्रम हमारे त्रिनियन फ्रेंड्स क्लब के तहत में आज यहाँ फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। यह टूर्नामेंट जो है लगभग एक सवा महीना से चल रहा है। इस टूर्नामेंट में सभी 32 खिलाड़ी भाग लिए थे और 32 टीम भाग लिए थे और नॉकआउट ये मैच था। और इसमें जो ये मैच हुआ पूरे सवा महीना लगभग, ये एंट्री फीस निःशुल्क था, किसी भी तरह का किसी से फीस नहीं लिया जाता है त्रिनियन फ्रेंड्स क्लब के तहत में। और यह जो है सफल आयोजन आज समापन हो गया। ये त्रिनियन फ्रेंड्स क्लब के द्वारा क्रिकेट का आयोजन किया गया था। कब से कब किया गया था? सर ये लगभग पिछले एक महीने से चल रहा है। कितना टीमों का ठीक किया गया था? इसमें टोटल 32 टीमों का चयन किया गया था। तो कौन इसमें जीत हासिल? जिसमें सर इसमें दो टीम क्वालिफाई किए फाइनल के लिए, इसमें एक अस्थामा की टीम हुई और एक बलवापर की टीम हुई। सहरसा में पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब तस्कर को 52 कार्टून विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के घर के सामने वाले कमरे से पुलिस ने 375 मिलीलीटर बिस्की की 52 कार्टून जिसमें 1,266 बोतल यानी कि कुल 468 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं दूसरी ओर बरसम गांव से भी महिला शराब तस्कर को 5 लीटर देशी चुराई शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खबर सुपौल से है, जहां पर पिकअप ड्राइवर को नींद आ जाने से पिकअप टकरा गई और पिकअप पलट गई है। इस घटना में ड्राइवर के साथ एक अन्य युवक की मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि बीते दिनों एक व्यवसायी से रंगदारी मामले और उसके दुकान के पास गोलीबारी मामले में पुलिस ने एक टीम गठित कर महज 3 दिनों के अंदर अपराधियों की खोजबीन कर ली है। इसी क्रम में पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़ भी लिया है। 16 तारीख को सदर थाना के अंतर्गत हार्डवेयर की व्यवसायी से विजय एजेंसी उनसे रंगदारी की मांग की फोन करके और 17-18 की रात्रि में उनकी दुकान पर फायरिंग भी की गई थी उनको डराने और धमकाने की नीयत से। इसी मामले को देखते हुए कि SIT जो टाउन DSP हैं उनके नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें DIU की टीम, उनके प्रभारी सुजाउद्दीन और सदर के थाना अध्यक्ष सत्यन मिश्रा लगे हुए थे और उनकी पूरी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। इसी मामले में आज उद्भेदन हुआ है और 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी।
एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर नालंदा से है जहां अज्ञात अपराधियों ने घर से बुलाकर एक युवक को गोलियों से छलनी कर दिया और घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक अपने घर में सो रहा था। इस दौरान अज्ञात लोगों ने युवक को बुलाया और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई है। तो आपको हम बताते चले कि नालंदा में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस दौरान युवक को घर से बुलाकर गोलियों से उसे छलनी कर दिया गया है। अगली खबर भी नालंदा से ही है जहां पिछले कई तो नालंदा में अपराधियों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि पहले तो युवकों ने एक युवक को घर से बुलाया, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। खबर नालंदा से है जहां पिछले कई दिनों से गायब महिला का शव पुलिस ने कई टुकड़ों में बरामद किया है और महिला के शव की शिनाख्त भी कर ली गई है। पुलिस की हत्या महिला की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर कई टुकड़ों में की गई है और घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ इस हत्याकांड की जांच पड़ताल में अब जुटती हुई नजर आई है। सहरसा में 3 दिवसीय कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 7 और 9 अप्रैल को किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए इस खेल टूर्नामेंट का आयोजन होगा जिसमें 4 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों की बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी भी भाग लेंगे। जब फ्रेंचाइजी बेस इस टाइप का लीग का आयोजन किया जा रहा है, 10-11 जिला के प्लेयर जो है इसमें ऑक्शन में सिलेक्टेड हुए हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि जो आसपास का के खिलाड़ी है वो बड़े खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करे, उनके साथ गेम खेले, जिससे इस एरिया से भी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकल कर आगे बढ़ सके। पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पर लगे टीवी स्क्रीन पर अचानक से अश्लील वीडियो चलने लगे। ये वीडियो करीब 3 मिनट तक चलता रहा। जिस वक्त अश्लील वीडियो टेलीकास्ट हुआ उस समय पैसेंजर्स की भारी भीड़ पटना जंक्शन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जिस वक्त एडवर्टीजमेंट से जुड़े वीडियो चलाए जाने थे उसी दौरान विज्ञापन के बदले अश्लील वीडियो टेलीकास्ट हो गए। इस बात का पता स्टेशन मैनेजर या ड्यूटी पर मौजूद रेलवे के किसी भी अधिकारियों को नहीं था। इस बात की जानकारी प्लेटफॉर्म पर मौजूद पैसेंजर ने आरपीएफ और जीआरपी को तुरंत दी, जिसके बाद आरपीएफ ने संबंधित एजेंसी को फोन कर अश्लील फिल्म बंद करने को कहा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in
शॉपिंग सुकून के साथ।